एकनाथ शिंदे के विधायकों पर पैसों की बारिश, बीजेपी वालों की सुनवाई नहीं, चुप रहने का आदेश, अजीत पवार का दावा। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार शिवसेना के 40 विधायकों की देखभाल के लिए धन लुटा रही है, जबकि बीजेपी के विधायक नाखुश हैं। शिंदे की बगावत के बाद पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पवार ने बजट पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के विधायकों में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना विधायकों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 40 विधायकों की देखभाल के लिए धन उड़ाया जा रहा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि क्या यह 288 विधायकों में से केवल 40 की सरकार है। यहां तक कि बीजेपी के 105 विधायक भी नाखुश हैं। वे शांत हैं पर बहुत बेचैन हैं। उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा गया है कि क्योंकि यह विपक्ष में बैठने से बेहतर है। शीतल महात्रे प्रकरण की जाँच SIT करेगी। महाराष्ट्र सरकार शिवसेना विधायक प्रकाश तुर्वे और पार्टी के उपनेता शीतल महात्रे के वीडियो से छेड़छाड़ करने के आरोपों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं पुलिस ने इस प्रकरण के सिलसिले में उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देसाई ने विधानसभा में कहा कि SIT का नेतृत्व एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे। इससे पहले दिन में शिवसेना की यामिनी जाधव और मनीषा चौधरी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के वीडियो से छेड़छाड़ की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी और चौधरी खुद भी मौजूद रही थी। मंत्री ने कहा कि पुलिस ने पहले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें विनायक दावरे उम्र 26 भी शामिल हैं, जो उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना UBT के सोशल मीडिया प्रदेश समन्वयक हैं। उन्होंने कहा कि दावरे ने छेड़छाड़ किया वीडियो फेसबुक पर साझा किया था, जबकि अन्य 3 ने इसके प्रसार में मदद की थी।